सत श्री अकाल, सलाम नमस्ते। मैं हूँ रणदीप सिंह, स्वागत करता हूँ आपका वेरा सिटी न्यूज़ में। आम आदमी पार्टी के रीना चौधरी जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या कुछ होने जा रहा है, क्या वो ऐलान करने जा रहे हैं, उसके बारे में आइए देखते हैं कि आज इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहेंगे रीना चौधरी जी। रीना मैम, आज की प्रेस वार्ता के बारे में बताइए। जी, आज की प्रेस वार्ता में रीना चौधरी, आम आदमी पार्टी से संगठन मंत्री जम्मू प्रोविंस, वुमेन विंग और स्टेट कमेटी मेंबर, अपने सभी पदों से और आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप से इस्तीफा देती हूं। और मेरे साथ जम्मू प्रोविंस की सेक्रेटरी निशा जी भी हैं और साथ में मेरे समर्थक हैं। तो आज की जो प्रेस वार्ता है इसी बारे में रखी गई थी कि मैं अपने सभी पदों से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देती हूँ। क्या वजह है आपको ये इस्तीफा देने का? इस्तीफा देने की मेन वजह ये है कि पार्टी को हमने जम्मू को लेकर, जिस उद्देश्य से मैंने ये पार्टी ज्वाइन की थी कि जम्मू कश्मीर आज भी लावारिस की तरह है जिसका कोई माई बाप नहीं है, एक उम्मीद की किरण हमें दिखी थी कि शायद आम आदमी पार्टी जैसे बाकी जगहों पर काम कर रही है तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में भी अच्छा काम करेगी और जम्मू कश्मीर के मुद्दों को लेकर आगे बातचीत करेगी और उन मुद्दों को संजीदगी से लेगी। लेकिन पिछले कुछ समय से जो मैंने देखा है वो लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। आम आदमी पार्टी आज जम्मू कश्मीर में उस हिसाब से होगी जैसे एक गाड़ी बिना ड्राइवर के है, तो बिना ड्राइवर के गाड़ी कभी भी लंबी नहीं चल सकती, वो कहीं कभी ना कभी खाई में गिरने के आसार रहते हैं। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में आज आम आदमी पार्टी कोई भी सीरियसली इनको नहीं लेती है और जम्मू कश्मीर में एक अंधेर नगरी में जो आम आदमी पार्टी की रफ्तार चल रही है या एक अंधेरी दिशा में हम लोग चल रहे थे उसी की घुटन कहीं ना कहीं पिछले कुछ महीनों से मुझे हो रही थी और मैं सोच रही थी कि ऐसा कुछ फैसला लिया जाए, तो फाइनली आज मैंने ये फैसला ले लिया है कि मैं सभी पदों से इस्तीफा देती हूँ और तत्काल प्रभाव से आम आदमी पार्टी छोड़ती हूं। आप क्या सोचकर पार्टी में आई थी, आम आदमी पार्टी में? तब तो आप बड़े बड़े दावे कर रही थी कि आम आदमी पार्टी जैसी कोई पार्टी नहीं है, केजरीवाल जी की नीतियों के जैसे कोई नीतियाँ नहीं है, किसी नेता की नहीं है, तो आज ऐसा क्या हो गया? काफी समय के बाद आप सोच विचार करके पार्टी को अलविदा कह रही हैं। जी, मुझे इस बात का बहुत ही खेद है। जिन उम्मीदों के साथ मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी कि ये लोग आम आदमी के मुद्दों को उठाते हैं, आम लोगों की ज़रूरतों को समझते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के जो मुद्दे हैं, आज तक पिछले 1.5 साल होने को है मैंने पार्टी ज्वाइन करी थी, आज तक इन लोगों ने कभी भी उन मुद्दों के बारे में कोई बात नहीं की। हमें हमेशा यही सुनने को मिलता था कि हाँ करेंगे करेंगे करेंगे, लेकिन अब पिछले कुछ महीनों से बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है पार्टी, बिल्कुल भी दिल्ली वाले या सेंटर टीम आप कह लो जम्मू की ओर रुक करके राजी नहीं है। तो बस यही कहना है कि बिना माई बाप के कोई भी पार्टी नहीं चल सकती, बिना किसी अच्छे उद्देश्य के, बिना किसी आपके अटेंशन के या बिना किसी फोकस के कोई भी पार्टी आगे नहीं ग्रो कर सकती। जिन मुद्दों को लेकर मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के जो संगीन मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर के वो लोग हैं जिन्होंने लगभग सभी पार्टियों को मौका दिया, परखा, लेकिन कोई भी पार्टी इनके मापदंड पे खरी नहीं उतरी, तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि एक नई पार्टी नई सोच के साथ जम्मू कश्मीर में आएगी और जम्मू कश्मीर के मसलों का हल करेगी, लेकिन ये पार्टी भी फेल होती दिख रही है। तो यही कहना चाहूंगी, ये नहीं कहेंगे जो जो नेता बड़े शौक से आए थे, बड़े जोश के साथ आम आदमी पार्टी में आए, उन्हें लगा कि जिस पद के लिए या जिस पोस्ट के लिए आए थे उन्हें नहीं मिली, तो अब वो अलविदा कह रहे हैं? जी, ऐसी बात नहीं है, या इन पदों को दिए हुए काफ़ी समय, लगभग 6-7 महीने हो गए हैं, अगर पदों वाली बात होती तो उसी समय वो लोग छोड़ देते, लेकिन कुछ ये ज़रूर कहूँगी, कुछ ऐसे फैसले पार्टी द्वारा लिए गए जो पार्टी के हित में नहीं थे, जिसकी वजह से आज पार्टी का दिन प्रतिदिन हम कहते हैं डाउनफॉल आता जा रहा है, जिसके रिजल्ट में आज जो मेन टीम दिल्ली वाली टीम है वो भी अब यहाँ पर रुख नहीं करते हैं, वो भी यहाँ कॉन्सेंट्रेट नहीं करते हैं, वो भी यहाँ ध्यान नहीं देते हैं, तो उन गलत फैसलों की वजह से आज जो भी हालात हैं पार्टी के वो यही हैं कि किसी और पार्टी की तरफ जाने का रुझान है? फिलहाल ऐसा कोई रुझान मेरे मन में नहीं है, क्योंकि मुझे पता था कि सबसे पहला क्वेश्चन यही आएगा कि आप लोग ये बोलेंगे कि शायद आप कहीं और जंप करना चाहते हैं, तो ऐसा कोई भी अभी मेरे दिमाग में ना तो ऐसी कोई सोच है ना ही ऐसा कोई विचार है। रीना चौधरी आज तक मैं अभी कुछ कह नहीं सकती, अभी जिस स्टेट ऑफ माइंड में मैं हूँ, क्योंकि मैंने एक समाज आज तक पार्टी में होते हुए भी रीना चौधरी अगर जानी जाती है तो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी टैग के जो मैं काम करती हूँ, रीना चौधरी अगर निस्वार्थ भाव से या बेबाकी से बात रखती है तो सच्चाई बयान करती हूँ, और यही सच्चाई आज आप सबके सामने लाई हूँ कि घुट घुट के नहीं रहा जाता, बस यही है कि अगर आपको सही लगता है तो सही करो, नहीं लगता है तो नहीं करो। तो यही पिछले कुछ महीनों से मेरे दिमाग में जो विचार विमर्श चल रहा था एक कि क्या किया जाए क्या किया जाए, क्योंकि जिन उम्मीदों के साथ मैं पार्टी से जुड़ी थी वो उम्मीदों उन उम्मीदों पर पार्टी
पार्टी खरी नहीं उतरी, तो अब फिलहाल ऐसा कोई भी विचार मेरे मन में नहीं है। फिलहाल रीना चौधरी एक समाज सेविका की तरह आप सब लोगों के बीच है। अगर मैं दिल्ली छोड़कर अपना परिवार छोड़कर जम्मू कश्मीर में लोगों की सेवा करने आई थी तो वही सेवा मेरा उद्देश्य है। उसी उद्देश्य से अगर कोई भी रोड़ा आगे आता है तो मैं उन रोड़ों को पीछे हटाते हुए जोशो क्रोश के साथ पार्टी जम्मू में उनका आगमन हुआ था, क्या लगता है अब पार्टी का वजूद कहीं ना कहीं खत्म होता नजर आ रहा है जम्मू कश्मीर में? जी मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी। जिस जोशो क्रोश से कुछ महीने पहले या एक साल पहले जो पार्टी में जनाधार था, कहीं ना कहीं आज उन सब लोगों की जो इस पार्टी से जुड़े थे उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं चकनाचूर हुई हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों की उम्मीदों पर पार्टी शायद खरी नहीं उतरी, तो उसी वजह से आज जनाधार और कुछ गलत फैसले, जैसे मैंने पहले भी कहा, कुछ गलत फैसले जो पार्टी द्वारा लिए गए उसी का रिजल्ट है आज दिन प्रतिदिन जो पार्टी डाउनफॉल पर जाती जा रही है जम्मू कश्मीर में। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रीना चौधरी जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी उन्होंने ये कहा कि आज वो आम आदमी पार्टी की इससे रिज़ाइन दे रहे हैं। रिज़ाइन देने का कारण उन्होंने बताया कि पार्टी में जो जितने भी कार्यकर्ता है वो एकजुट होकर काम नहीं करते, जिसमें उन्हें दिक्कत आ रही है, जिसमें वो आम जनता की सेवा के लिए जो आम आदमी पार्टी ने कदम उठाए थे, जिन कार्यकर्ताओं ने कहा था कि हम मिलजुल के काम करेंगे, वो कहीं ना कहीं अलग अलग नज़र आ रहे हैं। और आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी में इस समय तक कई सारे जो लीडर जुड़े हुए थे उन्होंने भी, कई ऐसे लीडर हैं जिन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। आपका क्या कहना है आगे की रीना चौधरी जी ने जो है रिज़ाइन दी है पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, उसके अलावा जो है अब वो आने वाले समय में किस पार्टी को ज्वाइन करते हैं वो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल अब तक की ये जो खबर थी आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। देखते रहिए वीरा सिटी न्यूज़, ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर और लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।